द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लॉसन। बेबीलोन एक बहुत पुराना शहर था जहां पर अरकद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसके बचपन के दो दोस्त आज भी गरीबी में जी रहे थे, जबकि वो गरीबी को बहुत पीछे छोड़ चुका था। एक दिन उसके दोनों दोस्त उससे सलाह मांगने गए। उन्होंने उससे उसकी अमीरी का राज पूछा। अरकद ने कहा, मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा कर रखता था और उसे निवेश करता था। समय के साथ मेरे निवेश किए हुए पैसों से मुझे पैसे आने लगे और मुझे कम काम करना पड़ा। यही मेरी अमीरी का राज है। ये किताब आपको कुछ इसी तरह के पुराने तरीकों के बारे में बताती है, जिसका इस्तेमाल कर आप पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। ये किताब आपको निवेश करने के महत्व के बारे में बताती है और साथ ही ये बताती है कि आप अपने पैसों से किस तरह से काम करवा सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि पैसा बचाने से आप अमीर क्यों नहीं बन सकते, आपका पैसा किस तरह आपके लिए बिना थके काम कर सकता है, कर्ज माफ कर देना किस तरह से आपका फायदा करा सकता है। पहला सबक, अमीर बनने के लिए अपने पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। शायद आप सोचते होंगे कि कैसे अमीर लोग इतना पैसा कमा लेते हैं। शायद आप ये भी सोचते होंगे कि आप उतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आपका ये सोचना गलत है। आइए देखते हैं कि किस तरह से आप भी उन्हीं की तरह पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक रुपया कमा कर एक रुपया खर्च कर देंगे तो उसके बाद अपने दूसरे शौक पूरा करने के लिए उधार मांगेंगे तो अमीर बनना तो छोड़ दीजिए, कुछ साल बाद आप शायद खाने के लिए भी तरस जाएं। सबसे पहले आपको पैसा बचाकर उसे सही जगह पर लगाना सीखना होगा। आपको अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचाने होंगे और अपने शौक को कम करना होगा। आप सिर्फ उतना पैसा ही खर्च कीजिए जितने से आपका काम चल सके। आप उस चीज को अपने खर्चे में से निकाल दीजिए जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है। इसके बाद आपको अपने पैसों को सही जगह पर लगाना होगा। आप अपने पैसे बैंक में रखने से या अपने बिस्तर के नीचे रखने से अमीर नहीं बनेंगे। आपको उन पैसों को निवेश करना होगा ताकि उससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। इससे आपको बिना काम किए पैसे आने लगेंगे, लेकिन आपको इसमें सावधानी बरतनी होगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे अपना पैसा मत लगाइए जिसे मार्केट के बारे में आपकी जितनी या आपसे कम जानकारी हो। ऐसा करने से आप अपने पैसे से ऐसा जुआ खेल रहे हैं जिसमें आपकी हार तय है। दूसरा सबक, आपको ये मानना होगा कि आप अभी कुछ नहीं जानते। क्या आपको लगता है कि आप बहुत जानकार आदमी हैं और आपके पास बहुत सी ऐसी जानकारी है जो किसी के पास नहीं? अगर हाँ, तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुएं के वो मेंढक हैं जिसे सिर्फ अपने कुएं के बारे में पता है, समुद्र का नाम उसने आज तक नहीं सुना। अगर आप सच में एक समझदार व्यक्ति हैं तो आपको ये मानने में जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते। अगर आप कोई नई चीज सीखते हैं तो भी आप ये मत सोचिए कि आपको सब पता हो गया है। उस पर एक बार गौर कीजिए और खुद से सवाल पूछिए। इससे आपके अंदर बहुत से सवाल उठेंगे जिससे आपको लगेगा कि आप वाकई में कुछ भी नहीं जानते। अगर आप सोचते हैं कि आप फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानते हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ भी नहीं जानते। अगर आप इसके बारे में कुछ बातें जान रहे होते हैं तो आपको ये कभी नहीं लगता कि आप सब कुछ जानते हैं। आप बिना जानकारी हासिल किए कोई भी काम करने मत जाएं, क्योंकि इससे आपका नुकसान होना तय है। आप अपने से ज्यादा से जानकार व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछ लीजिए। इससे आपको एक नई बात पता चलेगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा तो उन लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए जो स्टॉक मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आप पाएंगे कि अगर उन लोगों ने जानकारी हासिल करने में कुछ समय दिया होता तो उन्हें ये नुकसान नहीं झेलना पड़ता। तीसरा सबक, छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ते रहिए। अमीर बनने का रास्ता बहुत लंबा है और इस सफर में नई नई मुश्किलें आती रहती हैं। इसमें खुद को ढालने के लिए आपको बहुत सी छोटी छोटी गलतियां करनी पड़ेंगी, बहुत बार नुकसान झेलना पड़ेगा और बहुत बार फिर से कोशिश करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस पर डटे रहेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी। फाइनेंस की दुनिया में हमेशा बदलाव आते रहते हैं, मार्केट हर दिन बदलता रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको भी हमेशा खुद को बदलते रहना होगा जिससे आप इसके साथ साथ चल सकें। सिर्फ एक ही स्टॉक में पैसा लगाने से आपका फायदा नहीं होगा, ना ही काम करने से आप हमेशा कामयाब रह सकते हैं। यहाँ आपको लगातार खुद में और अपने काम के तरीकों में बदलाव लाना होगा। हारने पर आप निराश मत होइए, क्योंकि हारने का भी उतना ही महत्व है जितना जीतने का है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप हारते हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलता है
और जब आप जीतते हैं तो आपको कुछ खुशी मिलती है। बिना कुछ सीखे आप कभी खुश नहीं रह सकते, इसीलिए हारना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा पैसा एक जगह लगा दो, इससे आप लंबे समय के लिए मुसीबत में फंस सकते हैं। चौथा सबक, पैसों के लिए काम करना बंद करके पैसों से काम करवाना शुरू कीजिए। हम में से बहुत से लोगों का दिमाग महीने के अंत के आगे का नहीं सोचता, हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि जल्दी से ये महीना बीते ताकि हमें फिर से सैलरी मिल सके और हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। हम कभी अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान नहीं करते, जो हमारे हारने की वजह बन जाती है। पैसों के लिए काम करने का मतलब है आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रह जाएंगे और पैसा आपसे दूर भागता ही जाएगा। हर महीने की सैलरी खर्च कर देने के बाद आप महीना बीतने का इंतजार करने लगेंगे। दूसरी तरफ पैसों से काम करवाने का मतलब है अपने लिए पैसों से काम करवाना, पैसों को अपना गुलाम बनाना। अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं और घर आने के बाद समाचार या टीवी सीरियल देखकर सो जाते हैं तो आप अपनी किस्मत खुद खराब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप संडे का सारा दिन गेम ऑफ थ्रोन्स देखने में बिताते हैं तो आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मुसीबतें आने वाली हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। आप इस समय को किसी ऐसे काम में लगाइए जिससे आपको पैसे आए। आप अपना बचा हुआ पैसा रियल एस्टेट में लगाइए। रियल एस्टेट आपको शुरुआत में पैसा लगाने होंगे और मेहनत करनी होगी, लेकिन एक वक्त के बाद वो आपके लिए नोट छापने वाली मशीन बन जाएगी, जहां से हर महीने बिना काम किए आपको पैसे आते रहेंगे। पांचवा सबक, आपका पैसा बिना थके आपके लिए हमेशा काम करता रह सकता है। इस सबक में हम ये देखेंगे कि पैसा बचाने से आप क्यों अमीर नहीं बन सकते, पैसों को इन्वेस्ट करने से आपको किस हद तक फायदा हो सकता है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उसमें अपना पैसा लगाते हैं। आप अपने बिजनेस का सामान खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा लगाते हैं और साथ ही मार्केटिंग के लिए भी पैसा लगाते हैं। एक वक्त के बाद आपका बिजनेस चलने लगता है और आपको अपना सारा पैसा वापस मिलने लगता है। फिर आपको जिंदगी भर पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका लगाया हुआ पैसा बिना थके आपके लिए काम करता रहता है। इसके अलावा अपने पैसों का इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा आइडिया है। अगर आप किसी बिजनेस में 10% के हिसाब से 1,00,000 रुपया लगाते हैं तो आपको बदले में 1,10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस पूरे पैसे को फिर से एक नए बिजनेस में 10% के हिसाब से लगाते हैं तो आपको 1,21,000 रुपये वापस मिलते हैं। इस तरह से आपका पैसा समय के साथ साथ ज्यादा कीमती हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना सारा पैसा बिस्तर के नीचे दबा कर रखेंगे तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि महंगाई के बढ़ते हिसाब से आपके रखे हुए पैसों की कीमत घटती जाती है। मौके को खोजने के लिए और सही वक्त पर उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कामयाब लोग सही मौके का फायदा उठाना जानते हैं। वे अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं और जैसे ही कोई मौका उनके सामने आता है वो उसका फायदा उठाने में जरा सी देरी नहीं करते। दूसरी तरफ नाकामयाब लोग हमेशा अपने काम से भागते रहते हैं और सोचते हैं कि सही समय आने पर वे काम करेंगे। जब सही समय आता है तो वे काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने खुद को उसके लिए तैयार नहीं किया था। वे हार जाते हैं और सारा इल्जाम किस्मत के ऊपर डाल देते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको काम करके खुद को तैयार करना होगा ताकि जब मौके आपके सामने आए तो आप उसका फायदा उठाने से ना चूके। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मौके को ये सोचकर गंवा देते हैं कि उन्हें आगे चलकर बहुत से मौके मिलेंगे। इस तरह के लोग बाद में कहते हैं, काश मैंने कर लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। इसीलिए आप हमेशा काम करते रहिए ताकि आप खुद को तैयार कर सके। इस तरह आप खुद की किस्मत बना सकते हैं और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप काश मैंने कर लिया होता वाली कहानियां बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा मौके आए तो आपको लोगों से अपना संपर्क बनाना होगा। आप अपना एक नेटवर्क बनाइए ताकि आपको अलग अलग जगहों से खबर मिलती रहे और आप उस जानकारी से मौके पैदा कर सके। सुनहरे मौके जिंदगी में बहुत बार नहीं आते, इसलिए आप हर वक्त खुद को तैयार रखिए। जेके रोलिंग अपनी किताब को पब्लिश कराने के लिए 12 पब्लिशरों के पास गई थी, लेकिन उन लोगों ने उनकी किताब पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में उनकी किताब पब्लिश हो ही गई। उन्होंने सिर्फ किताबें लिखकर $1 अरब की संपत्ति हासिल की। अगर उन्होंने खुद को पहले से तैयार नहीं किया होता तो वे 13वें पब्लिशर को कभी मना नहीं पाती और ये सुनहरा मौका उनके हाथ से निकल जाता। कुल मिलाकर हमेशा पैसों के लिए काम करने से आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करके उनसे काम करवाना होगा। पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाइए।
आप अपने खर्चों को कम कीजिए और अपना समय, दिमाग और पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाइए जहां से आप बिना काम किए पैसे कमा सकते हैं। इस तरह आप अमीर बन जाएंगे। क्या करें? अपने खर्चों को कम कीजिए। अगर आप किसी बेकार सी चीज को खरीदने के लिए किसी से उधार या लोन ले रहे हैं तो संभल जाइए। इस तरह आप खुद को मुसीबत में डाल देंगे और उसे चुकाने में आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको सच में उस चीज की जरूरत है तो उसे खरीदने के लिए पैसे बचाइए। अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पैसों के लिए काम ना करें तो आप पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। तब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आपको उस पैसे पर मुनाफा मिलेगा जिससे आपको पैसे के लिए काम नहीं करना होगा। आप उसे किसी स्टॉक या बॉन्ड में लगाइए। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए जिसे इसके बारे में जानकारी ना हो। सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा कीजिए जिन्होंने ये साबित किया हो कि वे जो कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता है।